नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज गए हैं सुबह के 6, तो एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं मैं लेकर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर आइए बिना समय गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा। आपके ऑप्शन है ए अरुण जेटली स्टेडियम, बी वानखेड़े, सी ईडन गार्डन्स, डी नरेंद्र मोदी। आपका समय हुआ है समाप्त। अब अपने उत्तर की मेरे उत्तर के साथ जांच कीजिए। हमारा सही उत्तर है डी नरेंद्र मोदी। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन से राज्य में है। इसी तरह प्रश्नों के बीच प्रश्न बनते रहेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए संगीता सिंह, बी TV नरेंद्रनी, CM अजीत कुमार या फिर डी JB महापात्र। आपने अपना उत्तर तो चुन ही लिया होगा, अब देखते हैं आपका उत्तर सही था या गलत। हमारा सही उत्तर है ए संगीता सिंह। 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा IRS की अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBDT की फुल फॉर्म जरूर याद करें। तीसरा प्रश्न है, भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए वेरिटास, बी आयुष्मान, सी शुक्रयान या फिर डी वेनेरा। समय है सही उत्तर जांचने का। सही उत्तर है सी शुक्रयान। शुक्रयान एक भारत के पहले वीनस मिशन का नाम है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सब तो चलता रहेगा। आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2022 से केवल मांगने वालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पंजाब। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2022 से बिजली सब्सिडी मांगने वालों को ही बिजली सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में मेरा टारगेट केवल और केवल 20 लाइक है, तो आप लोग मेरा ये छोटा सा टारगेट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें। हमारा पांचवा प्रश्न है, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 176, बी 150, सी 104 या फिर डी 87। हमारा सही उत्तर है बी 150। भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। दोस्तों जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत की रैंकिंग आज 150 है तो इससे पहले भारत की रैंकिंग क्या थी। आपको उत्तर लगाना है 142। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। समय है सही उत्तर जानने का। सही उत्तर है डी राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। दोस्तों यहां पर हाइलाइटेड वर्ड्स को अपने नोट्स में जरूर शामिल करें क्योंकि ये आपसे घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। बिना रुके आगे बढ़ते हमारे सातवें प्रश्न के लिए, किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए तेलंगाना, बी केरल, सी ओडिशा
या फिर डी मध्य प्रदेश। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केरल। पेनल्टी शूट आउट में बंगाल को हराकर केरल ने सातवीं बार खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है कि केरल ने कितनी बार खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों पेनल्टी शूट आउट कैसे होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे है हमारा आठवां प्रश्न, किस राज्य ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। आपके ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी असम। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। दोस्तों आपको ये सारी जानकारियां कैसी लग रही हैं और आप लोग मेरी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। आ गया है आपका नवा प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी गुजरात। हमारे इस नवे महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर है ए हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। दोस्तों आपसे एग्जाम में नीरज के गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। एक बार फिर से समय का पता नहीं चला। आ गया दसवां प्रश्न, अमेजॉन के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए सी विजय कुमार, बी एनडी जेसी, सी जूली स्वीट या फिर डी फिलिप गोजोन। हमारा सही उत्तर है बी एनडी जेसी। एनडी जेसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजॉन के CEO बन जाएंगे। अमेजॉन कंपनी ने एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की। दोस्तों आप में से किस किस को 5 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे स्टूडेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू हुई है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी मेघालय या फिर डी त्रिपुरा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से समय हुआ है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने चैनल GKMCQ को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।